यहाँ पर जी लड्डू के बहुत सारे दोस्त सब आ गए हैं और सभी लोग जो है ड्रोन को देखना चाहते हैं उड़ते हुए। तो एक्साइटेड हो? हाँ, उड़ाए? हाँ, तो चलो उड़ाते हैं इसको। तो फाइनली जी हम लोग बैठ गए हैं टैक्सी में और यहाँ से कुछ देर में जो है हम लोग पहुँच जाएंगे चांदनी चौक, वहाँ से जा करके जो है हम लोग खरीदेंगे। काफी अच्छा लग रहा है जी, बहुत एक्साइटेड, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है इसको उड़ाने के लिए। बहुत लड़ाई की है और फाइनली लड़ाई झगड़ा जो है काम आया और हम ले लिए। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो जी आप टाइटल से समझ गए होंगे कि अभी हम कहां जाने वाले हैं। जी हां, आज हम लेने जा रहे हैं जी अपना एक ड्रीम सामान, जो कह सकते हैं वो हमारा ड्रीम था कि हम वह लेंगे। जब से हमने ब्लॉगिंग की शुरुआत की थी तब से ही मन था कि एक ना एक दिन जो है जरूर उसको खरीदेंगे, लेकिन उसका जो है बजट ही इतना अच्छा खासा था कि उस समय सोच रहे थे कि नहीं लेंगे, जिस समय सक्षम हो जाएंगे उस समय लेंगे। फाइनली जी भगवान की दया से जो है अब सक्षम है कि उस चीज को खरीद सकते हैं और उससे जो है वीडियो क्वालिटी थोड़ा इम्प्रूव हो जाएगा और आपको नेक्स्ट लेवल की वीडियो देखने को मिलेंगी। तो हम लोग जो है यहाँ से जाने वाले हैं चांदनी चौक और चांदनी चौक में जाकर के देखेंगे कि कौन सा अच्छा वहाँ पर सामान मिल जाएगा। जी अब सामान क्या बोल रहे हैं, सीधे बता ही देते हैं क्योंकि टाइटल से तो आपको पता चल ही गया होगा। जी हाँ, हम लेने वाले हैं ड्रोन और एक अच्छा ड्रोन लेना चाह रहे हैं। वैसे ड्रोन तो हम लोग पहले भी ले सकते थे, कम बजट में भी आ जाता है ड्रोन, लेकिन हम चाह रहे थे कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है ये, तो एक ही बार में लेंगे तो अच्छा जैसा ड्रोन ले लेंगे ताकि हमें फिर सोचना नहीं पड़े कि हाँ अब इसको अपग्रेड करना है, ऐसा करना है। ड्रोन में जो है सारा पर्पस पूरा हो जाएगा, ब्लॉगिंग का पर्पस पूरा हो जाएगा, रील का पर्पस पूरा हो जाएगा, क्योंकि आजकल का जो एडवांस ड्रोन आ चुका है तो उसमें जो है आप रील भी शूट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है फिलहाल घी तैयार किया जा रहा है तो जल्दी से इसका डाही निकलेगा। वैसे जल्दी तो नहीं निकलता है यार, तो हम लोग जब लौट करके आएंगे खरीद करके तो मिठाई आज हम खरीदेंगे नहीं, मेरे लिए मिठाई यही हो जाएगा। नहीं, हम लोग के लिए। अच्छा, तुम लोग के लिए लाना होगा काजू कतली, ठीक है लेते आएंगे। देखते हैं फिलहाल वहाँ सामान मिल जाए और क्या नमकीन बहुत मिलता है। नमकीन ठीक है, देख लेंगे वो भी। और हम लोग कहीं जाने वाले हैं बर्थडे में तो उनका भी गिफ्ट भी लेना। अच्छा, गिफ्ट भी मिल जाएगा वहाँ, कपड़ा सब भी अच्छा अच्छा मिल जाएगा। तो सभी लोग जी बाहर आ गए हैं और यहाँ से चल रहे हैं चांदनी चौक और यहाँ से सबसे तो ऐसा करते हैं कि टैक्सी कर लेते हैं। इसको भी घूमना है, इसका घूमना फिरना हो जाएगा और हमारा खरीदना हो जाएगा, तो दोनों का एक्साइटमेंट जो है अपने लेवल पर है। और जिया भी जो है कुछ एक बच्चे के लिए जो है जैसा कुछ देर पहले बताई, कुछ देख रही है अच्छा से टॉय मिल जाए या कपड़ा मिल जाए, क्योंकि किसी के जन्मदिन में जा रहे हैं और वहाँ भी अपने एक यूट्यूब के क्रिएटर ही है, तो उनसे आज तक हमारी मुलाकात नहीं हुई है, पहली मुलाकात होगी, तो वह भी इंटरेस्टिंग रहेगा। उसके बारे में अभी नहीं बताएंगे, जब वहाँ वीडियो आएगा तो आपको पता चल जाएगा। बाकी आप लोग गेस कर सकते हैं कमेंट करके कि किससे हम लोग मिलने जा रहे हैं। तो हम लोग जैसे ही बाहर आए तो यहाँ देख रहे हैं क्रिसमस का माहौल है और हमारे सेंटा क्लॉज भी घूम रहे हैं आगे, तो कैमरा में आपको दिख रहा होगा कि नहीं, सामने चलेंगे तो आपको नजर आ जाएगा। अच्छा, वहाँ पर है सेंटा क्लॉज। सेंटा कुछ गिफ्ट दे रहा है या बस वैसे ही खाली घूम रहा है? टॉफी दे जाता। वाह, मिल गया सेंटा से टॉफी। चलो, लड्डू कह रहा था कि पिछली बार तो टॉफी दिया था सेंटा ने, इस बार क्या देता है, तो मिल गया फिर से टॉफी। सेंटा ने बुला के दिया है। पानी इलायची। फिलहाल जो है यहाँ लड्डू के लिए लिया जा रहा है कोई सा चॉकलेट, क्योंकि इसको जो है थोड़ा सा वोमिट होता है, तो हम लोग जा रहे हैं कार में, तो कार में इसको वोमिटिंग का प्रॉब्लम है। क्या वो नहीं लेगा? क्या लेगा? सेंटर फ्रेश जाओ ले लो। तो फाइनली जी हम लोग बैठ गए हैं टैक्सी में और यहाँ से कुछ देर में जो है हम लोग पहुँच जाएंगे चांदनी चौक और वहाँ से जा करके जो है हम लोग खरीदेंगे जो भी चीज़ हम लोगों को खरीदना है। जी तो पीछे सो गई है, लड्डू मजे में आराम से बाहर का नज़ारा ले रहा है। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं जी चांदनी चौक और यहाँ से जा रहे हैं हम लोग कैमरा मार्केट और वहीं पर जा करके देखते हैं कि कैसा मिलता है सामान सब। तो फाइनली जी हमने ड्रोन को कर लिया है परचेज, काफी अच्छा लग रहा है जी, बहुत एक्साइटेड, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है इसको उड़ाने के लिए। इन्होंने मेरे से बहुत लड़ाई की है और फाइनली लड़ाई झगड़ा जो है काम आया और हम ले लिए। क्या बात है सर, क्या बड़ी बात है। हमेशा आपकी मर्जी का ही होता है जो आप कहते हो। हाँ जी, घर चलेंगे और घर चल करके जो उड़ाएंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि कैसा रहता है इसका रिजल्ट।
और इसका रिजल्ट भी इसी ब्लॉग में जरूर डालेंगे हम। तो हम लोग आ गए हैं जी यहाँ पेट पूजा करने के लिए। हम लोग पहले सोच रहे थे कि स्ट्रीट फूड ही खाएंगे, लेकिन वहाँ इतनी ज्यादा भीड़ थी कि हम लोग वहाँ पर गए नहीं। तो हम लोग आ गए हैं यहाँ पर, तो क्या है वाह जी वाह, इस रेस्टोरेंट में आए हुए हैं चांदनी चौक टू चैना। एक मेन्यू ये भी है, तो मेन्यू का नाम सब गजब गजब है यहाँ पर। हम लोग जो है बहुत देर से भूखे थे। बात क्या था जी, जो ड्रोन था उसको वो लोग चार्ज कर रहे थे स्टोर में, और चार्ज करके दिखा रहे थे कहाँ सारी बैटरी चल रही है, सारा एक एक करके चेक करवा रहे थे, कैसे ऑपरेट करना ये सब कुछ बता रहे थे। इसमें जो अच्छा खासा समय लग गया, इतना देर इंतजार करते करते हमें लग गई भूख। घर से निकले हुए थे 12 बजे और 12 बजे ही खाए थे, और फिर उसके बाद कुछ नहीं खाया। तो पहले कुछ पेट पूजा कर लेंगे, फिर आगे देखते हैं क्या करना है। ये आ गया जी हमारा डोसा, अच्छा रोल भी आ गया। चलो जिया रख लो इसको साइड। हमने मंगाया है जी अपने लिए रोल, तो जिया और लड्डू ये दोनों जब रोल खाए तब सोच रहे हैं कि रोल क्यों नहीं मंगाया, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है डोसा से। आप बहुत चलाक हो, तुम लोग को टेस्ट नहीं है। कोई नहीं, रोल भी खा लेना तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं, इसमें से भी ले लेना कुछ। तो अभी हम लोग है जी शनिदेव मंदिर के पास, और आज है शनिवार, सोचा की शनिदेव को जो है दिया चढ़ा देते हैं। और शनिवार को हमारे यहाँ असल में लोहा का कोई भी सामान खरीदना शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन हमें थोड़ी जल्दी थी खरीदने की, तो इसलिए आज खरीद लिए। और ऐसे लड्डू का जन्म जो है शनिवार को ही हुआ है, तो लड्डू के साथ जब भी कोई सामान खरीदे तो लकी रहा है, तो भगवान शायद माफ करे। तो जाते हैं जी शनि भगवान की पूजा कर लेते हैं। तो फाइनली हम लोग पहुंच रहे हैं अपने घर, और यहाँ पर लिफ्ट आ रही है नीचे। इसको लग गया है जुकाम, अच्छा खासा जुकाम लगा है, मम्मी से डांट लगेगा। ठीक है चलो चलो, कल से ही है, कल से ही है, तब चलो बच सकता है। तो और यहाँ देख सकते हैं कितना सारा सामान है, खाली टॉय है भर भर के है? इसमें है, इसमें है मेरा सामान, इसमें जो है ना गतिक के लिए है, और जिसके बॉडी में जा रहे हैं उसके लिए है, और लड्डू के लिए है। चलिए जी, और उसके बाद जो है ड्रोन हम लोग जो है कुछ देर में खोलेंगे, पहले जाके रेस्ट कर लेते हैं थोड़ी देर। नहीं नहीं आप जाके खोल ही ले, चलो इसी लिफ्ट में उड़ा लेते हैं। अच्छा मामी को कब कभी छूट रही है, चलो बस पहुँच ही रहते, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। मसूड़े में क्या हो गया, मसूड़े पॉपकॉर्न अटक गया, चलो कोई बात नहीं, पॉपकॉर्न वो अटक गया, चलो चलो कोई दिक्कत नहीं। ड्रोन तुम्हारे हाथ में, चलो आराम से आराम से। The next day. कल पहुंच गए थे जी घर, और घर पहुंच करके जो है कुछ भी शूट नहीं किया, सीधा आ करके जो भी फंक्शन होता है ड्रोन का सब कुछ यूट्यूब पर जो है देखा हमने, और लगभग लगता है कि 40-45 मिनट तक वीडियो हमने देखा होगा। फिर उसके बाद हम जा रहे थे पार्क में, लेकिन पार्क में जाने से जो है सभी ने रोक दिया, मम्मी से डांट पड़ी, दीदी से डांट पड़ी, बीबी से डांट पड़ी, तो हम जो है पार्क में नहीं गए। हम यहाँ जो गैलरी होता है उसी पर जो है ड्रोन उड़ाए थे, लेकिन उस समय कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। शायद नैन्सी दीदी ने कुछ रिकॉर्ड किया था, वो फुटेज होगा तो यहाँ पर डाल देंगे। अब जो है फिलहाल हम जा रहे हैं पार्क, और अभी भी बाहर बहुत ठंड है, इंतजार किए कि थोड़ा सा धूप हो जाए, मौसम थोड़ा ठीक हो जाए, लेकिन मौसम ठीक होने का नाम नहीं ले रहा। तो अब इसका भी ज्यादा वेट नहीं कर सकते हैं जी कि मौसम ठीक होगा क्या होगा, अब सीधा चलते हैं, पूरा पैक हो गए हैं और जा करके टेस्टिंग करते हैं। अच्छा मोबाइल के पीछे, अच्छा। बड़ों की भाषा में कहते हैं एक्साइटमेंट, छोटों की भाषा में क्या कहते हैं मम्मी, क्या बोलते हैं मम्मी? का इसके पास पेशेंस नाम का चीज नहीं, कोई बात नहीं, नया चीज है, नया सामान आया ना मामा, वो भी एक परवा के खोप बनाने के लिए ऐसे परेशान करते रहते, वैसे ही करते। ये परवा मतलब वो कबूतर, तो कबूतर का घर बनाने के लिए जो है मामा जी बहुत परेशान किए हुए थे नानी को, यही बता रही है। वही गुण इसमें भी है, ये भी ऐसे परेशान करता है सबको, कोई चीज लेना हो। तो ड्रोन का बहुत ज्यादा विरोध हुआ, लेकिन जो है सभी को फाइनली एग्री कर लिए, और उसके बाद जो ड्रोन आ ही गया है तब जाते हैं उसको उड़ाते हैं। यही पता चलता है कि सोनू अभी तक बड़ा नहीं हुआ है। अच्छा चलते हैं, चलो लड्डू भी सुबह से परेशान किया हुआ है, मामा कब चलिएगा बाहर ड्रोन उड़ाने के लिए। वैसे थी अपने मन से भी खरीद सकता है, लेकिन जब तक ये हम लोग से परमिशन नहीं ले लेगा तब तक नहीं खरीदता है, चाहे जैसे मना। A few moments later. चलते हैं जी बाहर, पार्क में थोड़ा सा जगह मिल जाएगा। नमस्ते जी, पार्क में वहाँ पर जगह खाली है, तो यहाँ पर टेस्टिंग कर सकते हैं अच्छे से। अच्छा
अच्छा अभी कोई बच्चा लोग भी नहीं है, कोई नहीं है, वाटर वाटर मार के तोड़ देते हैं। क्रिसमस का वो मेला सब खत्म हो गया क्या? कल लगा था, चलो लगा आगे लगाए पार्क के बाहर। फाइनली जी पहुंच गए हैं पार्क में और अपना जो ड्रोन का सारा गैजेट सब जो है लेते आए हैं, तो अब इससे ड्रोन को निकालते हैं। सबसे पहले आपको इसका लुक दिखा देते हैं, अनबॉक्सिंग तो पहले ही हो चुका है इसका, तो फिलहाल आपको दिखा रहे हैं इस बैग में जो रखे हुए हैं, साथ में एक बैग दिया हुआ था ड्रोन के, तो आपको दिखा रहे हैं यह ड्रोन। तो यह है जी वह ड्रोन, एक बार इसका ये खोल देते हैं रैपर। तो यह है जी हमारा ड्रोन, एकदम खिलौना जैसा लग रहा होगा लेकिन इस खिलौने में जो है बहुत ताकत है, कुछ देर में आपको मालूम चलेगा। और ड्रोन के अलावा साथ में ये है इसका बैटरी, तो एक बैटरी की ज़रूरत होगी, इसको निकाल लेते हैं। और इसके साथ है इसका रिमोट, इसमें दिया हुआ यह स्क्रीन, इस स्क्रीन में जो है सब कुछ देख सकते हैं जो भी विजुअल होगा। तो जल्दी से हम इसको पहले सेटअप करते हैं। तो सब कुछ निकल चुका है जी, सब कुछ सेट हो चुका है। अच्छा है, एक चीज़ तो बाकी ही रह गया, इसका कवर हटाना भूल गए हम लोग। इसके कवर को हटा देते हैं, इसको रख लेते हैं पॉकेट में और इसको रखते हैं यहाँ पे, ठीक। इसको ऑन किया जाए, तो यह हो चुका है ऑन, अब इसको ऑन करने की बारी है, तो इसको ऑन करते हैं। तो यह भी अब ऑन हो रहा है, इन दोनों को फिर कनेक्ट करेंगे फिर उड़ाते हैं। इसका जॉयस्टिक भी सेट करना होगा, वो सेट नहीं हुआ है, ठीक है उड़ाइए। और यहाँ से आप देख सकते हैं वहाँ पर ड्रोन है और यहाँ हमें यहाँ पर रिमोट है हमारे हाथ में, इसको कंट्रोल कर रहे हैं, लड्डू उधर रिकॉर्डिंग कर रहा है। अब इसको अपने नज़दीक लाते हैं, ये दूर जा रहा है। यहाँ पर जी लड्डू के बहुत सारे दोस्त सब आ गए हैं और सभी लोग जो है ड्रोन को देखना चाहते हैं उड़ते हुए, तो एक्साइटेड हो? हाँ, उड़ाएं? हाँ अंकल। तो चलो उड़ाते हैं इसको। तो यहाँ तो उड़ाया हुआ हो गया जी, पार्क में अच्छे से टेस्ट कर लिया, थोड़ा सा और हाथ बैठाने की जरूरत है, लेकिन इसमें जो है कुछ कुछ ऑटोमेटिक फीचर है जिसकी वजह से जो है कुछ कुछ अच्छा शॉट आ गया है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पार्क से उस साइड, अपना जो बालकनी है उसका हम लोग व्यू लेंगे, और जिया और नैन्सी दीदी और मम्मी सभी को कहेंगे बालकनी माने के लिए, तो एक शॉट वहां से लेंगे।